आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, ओए नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पास डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा, पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को, यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। जसवीर बैंक से 10,000 रुपए निकाल के ना अमृता को दे देना, ठीक है? क्यों? वो कालरे की बोटी है ना, वो उसको दे देना, उसके घर में आनंद कारज है। हाँ जी, न्योता देके गई है कल। जय श्री राम। आजाओ आजाओ आजाओ, आगे बनर से ना आगे हमारी। जय श्री राम जय श्री राम। ओ कितने तुम आ रहे हो? स्कूल से दादू जी। और कौन से स्कूल से, झूठ बोल रहे हो? स्कूल तो बंद है आजकल। दादू जी हमारे स्कूल में समर वेकेशन चल रहे हैं, हम रामलीला का प्ले कर रहे हैं। अच्छा। मैं राम बना हूँ उसमें और अमन लक्ष्मण। और मैं हनुमान। जय श्री राम। वाह वाह, राम लक्ष्मण हनुमान वो तीनों अपने घर में। वो तुम एक काम करो, वो कल ना उस रामलीला का छोटा सा हिस्सा हमारे घर में प्रैक्टिस करो, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम लोगों को रामलीला देखने को भी मिल जाएगी, गांव वालों का मनोरंजन भी हो जाएगा। पर दादू जी रामलीला के सारे कलाकार तो है ही नहीं, और हमें रिहर्सल भी करनी है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दादू जी आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग रामलीला का पूरा पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ छोटा सा पार्ट करेंगे। और फिर प्रॉमिस, और कल तुम हमें रामलीला का वो छोटा सा भाग दिखा रहे हो, बोलो। पक्का दादू जी? बच्चों की रामलीला, वो भी घर में, ये खबर तो रंजन साहब को देनी पड़ेगी। वो की हुआ है? ओ ट्रक कहाँ वापस लेके जा रहा है? और माल की डिलीवरी तो कर दे। शाबाशी, हम अपने इंजन में पेट्रोल डालना भूल गया, और मतलब लस्सी में नमक डालना भूल गया, चौका डालना भूल गया, हम अभी आते हैं। तेज बहादुरवा को ना सरपंच जी के यहाँ लगा के हम बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, एक ठो भी अभी तक ढंग का खबर नहीं लाया है, ना तो तेज है और ना ही बहादुर, आज तक एक ठो भी ढंग का खबर लाके नहीं दिया है जिससे हम रविंदरवा को लड़की साबित कर सके। अरे क्या कर रहे भुरबक, अरे हमको मारेगा क्या एक्सीडेंट से? ओ शॉपजी, सावधानी हटी सो दुर्घटना घटी, और भारी वाहनों को साइड दीजिए प्लीज। पम पम मतबल। ओ शॉपजी, हम एक ट्रक है और आपको और हमारा अगर एक्सीडेंट हो जाएगा शॉपजी, तो हमारा ट्रक पहुंच जाएगा अस्पताल और आप पहुंच जाएगा गैरेज। अरे बुरबक बकवास बनकर, अरे कोई ढंग का खबर लाया कि नहीं? शॉपजी खबर बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, रविंदर सदन में सारे बच्चे मिलके राम लीला खेल रहे हैं, और राम लीला में मालूम है सब्जी, रविंदर बना है राम और अमन बना है लक्ष्मण, और वो मोटू रोहन, रोहन बना है हनुमान, जय श्री राम। अरे ये भी कोई खबर है क्या? एक मिनट, हमारी आइडिया की खोपड़ी में एक ठो आइडिया कुल बुला रहा है। उनके पास तो सीता है ही नहीं। अरे तो बिटिया तुम कहने बन जाती हो सीता? पापा हम बन तो जाए लेकिन स्कूल में सीता के रोल के लिए मेरा कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उस वक्त मैं बहुत रोई। अरे मंजू जी की बिटिया के रोती हो? रोना नहीं है रुलाना है, का समझी? अब जाओ सरपंच जी के यहाँ फटाफट,
और जाकर सीता का रोना फिट हो जाओ। बाकी का बात हम तुमको बाद में समझाएंगे। सच्ची पापा? मुच्छी बिटिया। जा फटाफट जाओ सीता माते। जाओ जाओ। वाह शेर बहादुर, क्या खबर लाए हो। कुशाम जी, हम तेज बहादुर है। हमारा पिताजी था शेर बहादुर। कुशाम जी, लगता है आपको भी भूलेगा बीमारी हो गया है हमारी तरह। अबे अब तो यहाँ तो फुट ले तो हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। ओ शामजी, अब हम चलता है। हाँ, अब जब नाटक में वो छोटकवा जमुनिया के सामने ड्रेस व्रेस बदलेगा तो रविंद्रवा का राज खुल जाएगा। मजाक समझाएगा। आ गई खेल बिगाड़ने। मुझे मालूम है कि तुम लोग क्यों परेशान हो। अच्छा चल बता क्यों परेशान है। क्योंकि तुम लोग के पास सीता नहीं है। हमें सीता की जरूरत नहीं है। बिना सीता जी के कैसे रामायण करोगे। ओए जमी, हम लोग लक्ष्मण जी के बेहोश होने वाला पाठ कर रहा है और उसमें सीता की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल हनुमान जी का है, यानी मेरा। समझ गई। चल अब यहाँ से निकल ले। छटा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। रविंदर कोई दूसरा सीन करते है ना, यानी कि राम और सीता की शादी वाला, या फिर सीता किडनैप हो गई वो वाला। सॉरी जेमी, वो लक्ष्मण जी के बेहोश होने वाला सीन बहुत इमोशनल है, बहुत ही अच्छा है। हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोगों ने सारा प्लान बना दिया, पूरी रिहर्सल भी कर लिया, सब कर लिया। प्लान चेंज कर देते हैं ना। अरे नहीं कर सकते ना, दादू जी को बता दिया है। रविंदर प्लीज। ए जैमी, तुझे एक बार बोला ना, तू है ना हनुमान जी का गुस्सा जानती नहीं है। समझ गई, अब तू यहाँ से चुपचाप निकल ले। बैठो, बैठो, बैठो यहाँ, बैठो। अरे कहा कर रही हो, कहा मंजू जी से पगला रही हो। उन्होंने मुझे बंदरिया कहा, तब लोग ना बोल रहे थे। तुम चिंता मत करो, एक एक चुन चुन के मारेंगे। तुम्हारा बाबू जी हम है ना, छोड़ेंगे नहीं एक एक को। अरे कहाँ जा रही, रुको तो सही। इस ससुर का नाती जो हुआ ठीक नहीं हुआ। एक तो हमारी बिटिया जमुनिया को रोल नहीं मिला, ऊपर से रविंद्रवा का पोल खोलने का मौका भी हाथ से निकल गया। अगर हमको किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा है तो हम ड्रामा भी नहीं होने देंगे। अगर खेल नहीं पाएंगे तो खेल को बिगाड़ देंगे। ड्रामा को ऐसा बिगाड़ेंगे, ऐसा बिगाड़ेंगे, ऐसा बिगाड़ेंगे कि पूरा ड्रामा का हवा निकल जाए। मजाक समझ के रखे हैं का। आराम में खड़ा हो, की कर देते माला भी पहले। ये ले, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ऐसे क्या बात है वीर जी, इतना चिड़ा चिड़ा क्यों है? अरे परजाई जी, सारी रात ना कमोरियों से परेशान रहा। वो मैंने कूलिंग पाउडर, अपना क्रीम सब लगा के देख लिया, लेकिन इसको राहत ही नहीं मिली। अब सोच रहा हूँ मैं इसको ना डॉक्टर के पास लेके जाऊं, लेकिन ये खोता जाने को तैयार ही नहीं है। मत मत खुजली कर, इतनी चमड़ी छिल जाएगी। सारी रात ऐसे ही खुजाता रहा। ये लीजिए चाचू, गर्मी का डॉक्टर। गर्मी का डॉक्टर? गर्मी का डॉक्टर? हाँ वीर जी, ये है गर्मी का सॉल्यूशन। पसीना, खुजली और खासकर कमोरियां सब गायब कोमलता से है। ठंडक बड़ी राहत नहीं मिलती है, सिर्फ ऊपरी ठंडक की नहीं। अरे वाह,
ओए ले पुत्र लगा ले फटाफट। और राहत मिली? भाइयों और बहनों, आज श्री रामचंद्र जी की कृपा से हमारे रविंदर सदन के बच्चे आपको रामलीला का लक्ष्मण कांड दिखाने जा रहे हैं। टाइम आ गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं सिन्हा साहब? आते हैं एक नंबर करके। चलो सबसे जल्दी पियो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबसे तुम भी जल्दी पियो। पापा आप यहाँ बैठे हो, वहाँ उन लोग का प्ले शुरू होने वाला है। अरे सब दिमाग हमारे पास है का? तुम ही बताओ भाई। तो फिर उनमें से किसी को किडनैप कर लेते हैं। हाँ, और अपने बाप को जेल भिजवा दो। तो फिर उनके ऊपर सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंके। हाँ, उसके बाद सरपंच जी हम दोनों को गांव से बाहर फेंकवा देंगे। पम 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 पम। अबे इधर गाड़ी को यहाँ पार्क करो, बैठो। तो मुआ साहब की क्या खातिरदारी कर रहा है? वो हम सबसे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ ट्रक चला रहे हैं। पम पम। हाँ बेटा, तुम ट्रक ही चलाते रहो। अरे मत बताना कि नटकवा को कैसे फ्लॉप करना। पापा उस मोटू रोहन का मुकुट चिरा लेते। नहीं बाबा, वो उसका नहीं छुपा सकते, वो मुंह पे पेंट किया है उसने। तो फिर उसका गधा चिरा लेते। वो गधा नहीं गायब कर सकते, गलती से अगर एक गधा भी पड़ गया हम मर जाएगा। अब क्या करें? मेरा दिमाग तो बंद हो गया। बंद मोटका रोहनवा को कमरा में बंद कर देते हैं। ऐसा भी उसका एंट्री तो बाद में है, तब तक हुआ बैठ के कुछ खाता पीता रहेगा है? लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि हम रोहन को कौन से कमरा में बंद करेगा। अगर किसी ने कमरे में बंद कर देना। अरे इतना खा लिया ना कि पेट में से आवाजें निकलने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि पर्वत उठाऊं और नीचे से सब खराब हो जाए। हाँ, जब तक रविंद्र डायलॉग बोलता है तब तक मैं वॉशरूम मुक कराता हूँ। लक्ष्मण, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अयोध्या वालों को क्या जवाब दूंगा? कितना बढ़िया कर रहे हैं ना बच्चे। ये जवाब दे कि रोहन का है। हनुमान जी बूटी लाते ही होंगे। खा पी के कहीं सो गया होगा रोहन। वो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रजन साहब जी ने मुझे कोई काम दिया था, लगता है फिर भूल गया। कहाँ जा रहे हैं सिन्हा साहब? आते हैं एक नंबर करके। ओ, अच्छा। भादा लक्ष्मण, खुद को संभालो, हनुमान जी बूटी लेकर आते ही होंगे। हमारा एक बीबी है। पम पम पम। काम हो गया महाराज। थैंक यू साहबजी। थैंक यू किस लिए बे? साहब आपने हमको महाराज कहा। बे बुरबक, काम किया कि नहीं जो तुमको बोले था करने के लिए? कौन सा सब्जी? कमरे में बंद करने वाला काम। किसको सब्जी? मोटका रोहन को कमरे में बंद करने के लिए बोले थे ना। वो सब्जी वो तो बाथरूम में, और आपने हमको कमरे में बंद करने के लिए बोला था। अरे बाथरूम भी तो कमरे में होता है। ओ हाँ सब्जी, हम समझ गया, हम ज्यादा ही अभी उसको कमरे में कॉली लगा के आता। रहने दो ससुर के नाती, हम खुद बंद करके आते हैं। पम पम। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके नहीं आएंगे तो लक्ष्मण होश में कैसे आएगा?
लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। हनुमान जी यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जय हनुमान ज्ञान को गुरसागर, जय कभी इंगनो को उजागर। लगता है हनुमान जी वहाँ रास्ता भूल गए हैं। परजाई जी मैनू लगता है रोहन को ना फिर से भूख लगी होगी, वो कुछ खाने के लिए बैठ गया होगा। खोता जा। उसके लिए तो संजीवनी बूटी रसोई में होती है। वो आएंगे हनुमान जी वापस आएंगे, बस थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि पूरी इंडिया क्रॉस करना पड़ता है ना। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये पता नहीं हनुमान जी कहाँ उड़ के चले गए। मेरे कहने का मतलब रोहन का मुझसे कहाँ चला गया। अरे रोना बंद कर, कुछ कर। वही तो कर रहा हूँ, सोचना पड़ेगा। आइडिया, तू चुपचाप बस लेटे रहे। कहाँ हो हनुमान? जड़ी बूटी लेकर आ जाओ। कहाँ हो? जल्दी आओ। कहाँ हो? अब कहाँ चले? नंबर करके आते हैं। नंबर बहादुर अंकल, आपने कहीं रोहन को देखा है? अभी अभी देखा था, अभी भी नहीं, तभी तभी, तभी तभी देखा था, अभी भी नहीं देखा। परफेक्ट। वो साहब जी, हम ड्राइवरी में परफेक्ट है, बाकी चीजों में नहीं। नहीं बहादुर अंकल, रोहन नहीं मिलना ना तो आपको बनना पड़ेगा हनुमान। हम नहीं बन सकता है। क्यों बहादुर अंकल? ओ छोटा शॉप जी, हम झाड़ू खा सकता है और खाना लगा सकता है और एक्टिंग हम करवा सकता है, लेकिन हम डायलॉग नहीं बोल सकता है। अरे बहादुर अंकल, ना आपको एक्टिंग करनी है ना डायलॉग बोलना है, सिर्फ पहाड़ उठा के उड़ के चले आना है। अरे पुरबक ससुर का नाती हमारा सब प्लान खराब करेगा, अब का करें जिससे इनका ड्रामा खराब हो जाए। का करें आइडिया। अब देखिए कैसे हम इनका सिंगल प्रॉब्लम को डबल प्रॉब्लम बना देते हैं। बूटी लेकर कहाँ अटक गए? ओ शामजी, हम आ गया। रोहन किथे गया? हमको वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो हम पूरा का पूरा पहाड़ लोड करके ले आया। जय जय श्री राम। ठीक है शामजी, ठीक है। हनुमान की जय हो, हनुमान की जय हो। हनुमान, आपको आने में देर हो गई, पर मेरा छोटे भाई अमन, मेरे कहने का मतलब लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। ओ शाबजी, उधर हमको बहुत ट्रैफिक मिला, मतलब हम पहाड़ पहाड़ कूदता रहा, हमको कुछ समझ में नहीं आया। ओ शाबजी, मेरा मतलब है श्री रामचंद्र जी, हम आपके लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाया। ओ सब्जी, आप खुद ही ढूंढ लो, कौन सी जड़ी बूटी चाहिए आप वो ले लो, हम ला दिया है पहाड़। जय जय श्री राम। पता नहीं किस पागल ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई और वहां पर लक्ष्मण जी भी कब से बेहोश होंगे। हाँ, मैं फटाफट पर्वत लेकर जाता हूँ। अरे मेरा पर्वत कहाँ है? मेरी तो गदा भी नहीं है।
तूने मन क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहाँ था? मैं किधर हूँ? मेघनाथ का बाल लगने से तुम बेहोश हो गए थे। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आप टेंशन मत लो, मैं बुट्टी में पूरा पार लेकर आया हूँ। दो दो हनुमान। अब लक्ष्मण जी को होश आ जाएगा, ये देखिए सब लोग देखिए। पर ये परजाई जी, ये फ्रूट की थाली लेके क्यों आ गया? और संजीवनी बूटी का पहाड़ कैसी है? मैं पूरा पहाड़ उठा कर लाया हूँ। मैं दो बार बेहोश नहीं होने वाला, लगता है तू ही बेहोश हो गया था कहीं। अरे मैं बेहोश नहीं हुआ था, मुझे ना पॉटी लगी थी तो मैं पॉटी करने गया। और बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी। वो हमको मालूम है शॉपसी, ये कुंडी किसने लगाई थी? अरे तो जल्दी बताओ किसने कुंडी लगाई थी? अरे जल्दी बताओ नहीं तो फिर से भूल जाओगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हमको भूल गया शाबजी, हमको भूल गया, हमको अभी याद था, वो सब लोग हल्ला मचाया, हम भूल गया। ओए कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। हाँ ओए शाबाश शाबाश, ओए शाबाश रविंदर, ओए शाबाश, ओ जामू, ओए कमाल कर दिया तुम बच्चों ने। हाँ ओए तुम्हारे रामलीला के इस दृश्य में बहुत मुश्किलें आई, मगर रविंदर ने वो सारी मुश्किलें संभाल ली और तुम सब ने संभाली। वो एक सीख देता हूँ मैं तुम लोगों को, कभी भी जिंदगी में किसी भी किस्म की रुकावट आए, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, समझ गए? बोलो जय श्री राम।